इसमें हम लोग जनपद महाराजगंज के सिसवां अंतर्गत ग्राम सभा हरपुर पकड़ी में हैं। यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एक दलित बालिका का शारीरिक शोषण बरसों से किया जा रहा है। आइए हम उस दलित बालिका के परिवारिक जन से जानते हैं कि प्रकरण क्या है। क्या नाम है आपका? संजीव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हरपुर पकड़े। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे गांव में, गांव के बगल में गौतम चौधरी, हमारे उनके में साल भर से संबंध रहा। आपके ही गांव के? हाँ। किस टोले पर रहते हैं? अहिर टोला। अच्छा, अहिर टोला पे। कौन नाम है, क्या नाम है? गौतम चौधरी। अच्छा, गौतम चौधरी के साथ क्या हुआ? कौतरना की शादी करो, साल भर से हमारे साथ संबंध बनौले रहना है। जब मेरे पेट में बच्चा रह गई तो कहता ना कि चलो टेस्ट हो जाए, गैनिक टेस्ट करा, कढ़ाई महीना का बच्चा हो तो कहता ना कि जा सफैया करा लो, हम शादी नहीं करो। उसके बाद जब उसने कहा कि सफैया करा लीजिए, कोठी भर थाने गई नी तारीफ दिए अपने। हाँ, दरखा दे तो कौन सुनवाई ना था, घर पुलिस वालों सुनवाई ना था, अगर बस महाराज गए नी एस पी लगा दूसरी बार दरखा देने कौन सुनवाई नहीं होता। अच्छा, तो आपने महाराजगंज पुलिस अधीक्षक को दिया और यहाँ भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। तो अब वह क्या कह रहा है? कह रहा है कि शादी नहीं करेंगे तुझसे। क्या कहता है? कहता कि जौन करेगा कॉल, हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह से वो धमकी दे रहा है? बार बार धमकी देता है, बताता जाता है। क्या चाहती हैं आप? हम उससे शादी करना चाहते हैं। अच्छा, अगर वह आपको न स्वीकार करे तो? हम अपनी जान दे देंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मां नाम मत्ती है, ग्राम हरपुर पकड़ी के रहने वाली है। रंजू आपकी लड़की है? हाँ, हमारे लड़की है। तो आपकी लड़की के साथ इसी एक विशेष प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगी, क्या जानती हैं? जानती हैं जो पहले हम जानकारी नहीं है और बाद में जानकारी जो भई, जो बच्चा खाती लड़की कहती है मेरे पेट में बच्चा है, तो हम कहानी किसका है तो बताओ की गौतम चौधरी के। तो हम कहानी उसका घर जाओ तो अगर घर ले गए नहीं तो मार पीट कर वहाँ के पूरे टोला मोहल्ले का मिल कर खदेड़ दिया ले लो, खदेड़ दिया ले लो। वहाँ से आई नहीं प्रधान के दुबारे गई नहीं, प्रधान पंचायत कही ना कहना निर्णय कर निकली सबूती आई तो सही हो जाएगा तो क्या करबो, तो बोला लड़का वाला की हम शादी करब और शादी कैले वो दिन इनकार कैल कहलस या और दोबारा पंचायत फिर भैल तो रिपोर्ट लेके गए नहीं और रिपोर्ट सही आ गई तो कहता कि जाए जहाँ मन कर तहाँ जाए, हम जो कुछ नहीं जाए। नहीं थम रहा है जिले में यौन शोषण की वारदात। जनपद महाराजगंज के कोठीभार थाना अंतर्गत ग्राम सभा हरपुर पकड़ी में एक दलित युवती का शारीरिक शोषण बरसों से हो रहा है, जिसमें उसे न तो प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग मिला और न अन्य जनप्रतिनिधियों से। मामला तब तूल पकड़ लिया जब बालिका पीड़ित गर्भधारण की। परिवारिक जनों के अनुसार ग्राम प्रधान को बताया गया, ग्राम प्रधान ने पंचायत किया, पंचायत में निर्णय दिया, लेकिन वह युवक निर्णय को मानने से मना कर दिया और परिवार जनों ने कोठीभर थाने में तहरीर दी। तहरीर का कोई फायदा न निकलते देख पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है और ये सरकार दलितों के उत्पीड़न को जीरो करने के लिए बार बार ऐलान करती है, लेकिन यहाँ दलित सहित अन्य महिलाओं का उत्पीड़न चरम पे है। अब ये दलित परिवार जाएं तो कहाँ जाएं, आस किससे लगाएं, इन्हें कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हिंद मोर्चा से कैमरामैन राजेश गौतम के साथ रविशंकर भारती की रिपोर्ट।